रविवंशी जी, भरत जी सहारनपुर से, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम आपको पद सुनाना चाहते हैं। कौन सा पद सुनाओगे? अच्छा, चलो दोनों इधर आओ नजदीक। दो इनको माइक, दो भाई। बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, इन नील मणि श्याम मनोहर, सात कोमल तन गोरी। सात कोमल तन गोरी, भाल विशाल तिलक हरि कामिनी, चिकुर चंद्र विचरोरी। मणि गजनायक प्रभु चाल, नयनंदनी गति वृष भानु किशोरी। गति वृष भानु किशोरी, नील निचोल जुवति मोहन पट, पीतरुण शिव कौरी। जय श्री हरिवंश रसिक राधापति, सुरत राघव में बोरी। ये आ कौन से सीखा था? पापा सीखा। अच्छा, चलो चलो ठीक है यार। महाराज जी, आपने एकांतिक वार्ता भाग 194 में कहा था कि श्री जी के लिए रो, पर मेरे प्रत्य करने पर भी मेरे आंसू नहीं निकले। जब मैंने आंखों में मिर्ची लगाई तो मेरी जो दुर्दशा हुई। मिर्ची लगाने के लिए हमने कब कहा था कि मिर्ची लगा? जो मेरी दुर्दशा हुई वो मैं कह नहीं सकता हूँ। महाराज जी, मिर्ची लगाने से श्री जी के दर्शन तो हुए नहीं, आंखें और झंझला। मार्गदर्शन कीजिए। हमने कार्तिक में थोड़ी कहा था मिर्ची लगा के रो रहा है। हम तो कह रहे थे इतना नाम जप करो कि श्री जी से ऐसा प्यार हो जाए कि हम श्री जी के बिना रह न पाए, और हमें रोना आवे कि श्री जी मुझसे कब मिलोगी, जैसे तुम्हारी माता जी तुमसे बहुत दूर हो, तुम्हें माता की याद आवे, मिलने की इच्छा तो रोना आता है नहीं होता। तो अनंत माताओं जैसा वात्सल्य श्री प्यारी जी के चरणों में है। श्री प्यारी जी के चरणों के मिलन की आकांक्षा में हमें तभी रोना आएगा जब प्यारी जी से ममता हो जाएगी। वो ममता तभी होगी जब नाम जप करें हम, खूब नाम जप करें, वाणी जी का गायन करें, खूब सत्संग सुने, तो श्री जी से अपनापन हो जाएगा। अपनेपन में हम श्री जी के बिना रह नहीं सकते, तभी रोना आता है। और ऐसे मिर्च लगाने से रोना ठीक नहीं है, पर ये भी चेष्टा जो आपने की, बच्चा होकर भी ये श्री जी की प्रसन्नता का ही हेतु बनेगी, क्योंकि आप श्री जी के लिए रोने के लिए ऐसा प्रयास कर तो बड़ी भोरी गोरी की सोरी है। इससे भी वो करुणा, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जी जाते हैं, यदि हमारे हृदय में बात आ रही कि रोने से श्री जी मिलती हूँ, मुझे रोना आता नहीं, तो मैं अत्यंत तीखी कड़वी कष्टदायक मिर्ची आंखों में लगा लूं जिससे रोना आवे। तो ये भी एक तरह से, यद्यपि ये कोई साधन नहीं है, पर एक तरह से प्रिया की प्रसन्नता का हेतु ही है, क्योंकि हम प्रिया जी के लिए रोने के लिए इन आंखों को दंड देते हैं कि तूने खूब विषय दर्शन किए, श्री जी के लिए रोती नहीं है, तो तू रो, मैं मिर्च लगा के तुझे रुलाऊंगा। तो श्री जी के लिए ये होने के कारण ये बंधनी है। वो क्या, किसी प्रयास से रोना श्री जी की प्रसन्नता का हेतु नहीं। हम श्री जी का नाम जप करें, श्री जी के बिना रहा न जाए, वो रोना श्री जी को आकर्षित करता है। ठीक है। दिव्यांशी जी वृंदावन से, हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम। हे गुरु जी, मैं आपको एक पद सुनाना चाहती हूँ, वह राधा नाम कीर्तन भी, संकीर्तन भी सुनाना। अच्छा, सुनो सुनो, आप इधर आके विराजमान हो आए। जोई जोई प्यारो कार सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई, सोई कारे प्यारे,
मुको तो भावती ठो प्यारे के नैनन में प्यारो भायो चाहे में नैनन के तारे जय श्री मेरे तन मन मेरे तो तन मान प्राण होते प्रीतम प्रिय अपने को तीक प्राण प्रीतम मोसोहारे जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सावर गौ कहो कौन करे जाला तरंगनी न्यारे बहुत सुंदर। अब राधा नाम कीर्तन सुना दो कह रहे राधा राधा रा राधा कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण 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 राधा बिना कृष्ण नहीं कृष्ण बिना नहीं राधा जिस कण में राधा बसी उस कण में बसे है कृष्ण सदा से राधा कृष्ण 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 है विस्तार यदि तो सार है राधा कृष्ण की हर बात का आधार है राधा राधा बिना कृष्ण नहीं कृष्ण बिना नहीं राधा जिस कण में राधा बसी उस कण में बसे है कृष्ण सदा से राधा कृष्ण 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 प्रेम की लगन लगे जब प्रेम की हुले मिल से नरो के नियति तो रोक पा इस समय राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण कृष्ण राधा बिना कृष्ण नहीं कृष्ण बिना नहीं राधा जिस कण में राधा बसी उस कण में बसे है कृष्ण सदा से राधा कृष्ण 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 तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मन मीत हो राधे मेरी मन मीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मन मीत हो राधे मेरी मन मीत हो क्या हो रहा क्यों हो रहा ना जानू मैं काना मुझे क्या हो रहा कुछ भी कहीं पर भाईना सर बोल को भी चेचाना सब कुछ किन तो कुछ नहीं सब कुछ किन तो कुछ नहीं संसार मन को रुभाना क्या हो रहा क्यों हो रहा ना जानू मैं काना
मुझे क्या हो रहा, मुझे क्या हो रहा। मेरे प्यारे मदन टेर वाले बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा, ये कार्टून फिल्म जो मैं देखता हूँ, मेरे मन से कैसे हटेंगी? मैं राधा रानी को पसंद करता हूँ और ये कार्टून की फिल्म हटती नहीं, वो हटते नहीं, और राधा रानी से प्यार करता हूँ। यार, हमने तो कभी देखा ही नहीं था, कैसे तो आप उस समय भी राधा राधा जपो, धीरे धीरे आपका देखना कम हो जाएगा। आप जब देखा करो तो ध्यान रखो कि राधा 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 चलता रहे, और फिर आप देखते रहो, धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब सयाने हो गए ना, तो उसमें रुचि नहीं रह जाएगी। ऐसा ही तो होता है, जैसे बाल्यावस्था के खिलौने होते हैं ना, जब अपने जवानी में उसको देखते तो हंसी आती कि इनसे खेलते थे, ऐसे ही जब थोड़ा ज्ञान का विकास होगा तो। पर वो नाम राधा, ये तो देखो इतना भाग्य है कि आप वैष्णव हैं, भगवत भक्त हैं, तो उसके हृदय में अभी ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि मैं क्यों देखता हूँ, कितना शुद्ध निर्मल ज्ञान है। ये आगे चल करके अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या जपोगे? राधा राधा। हाँ, राधा राधा। गुरुदेव के परम पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, हम आपको पद सुनाना चाहते हैं। प्यारे बोली भामिनी, अर्जुनी की जामिनी, बेटी नवीन मेघ सौदामिनी, मोहन रस कराई रीमाई, तासो जू मान करे ऐसी कौन कामिनी। जय श्री हे तहरि वांच श्रवण सुनत प्यारी, राधिका रवण सो मिली गज गामिनी। बहुत सुंदर, ठीक। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कर लीजिए। बाबा, मुझे बाबा आप ना मुझे अच्छे लगते हो, बड़े अच्छे लगते। अच्छा, बड़ी बड़ी कृपा है। ये बाल अच्छे लगते हैं कि गाल अच्छे लगते हैं, क्या अच्छा लगता है? आप भी अच्छे लगते हैं। अच्छा। हित लाडली जू सखी, महाराज जी आपने वृंदावन वास की याचना की है आप, और कहती हैं कि हमें श्री जी से शीघ्र अति शीघ्र मिलना है, और आपको पद सुनाना चाहती हैं। हाँ, आइए पद सुना। बहुत सुंदर, आ जा, पहले माला पहन। छवीली राधा ते पायो रस सिंधु अगाधा, तू ऋषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हस बेटी, जाहि विरंची उमापति नाय, तापे ते फूल बिनाय, जो रस नेति नेति श्रुति वाख्यो, ताको ते अदर सुदारस चाख्यो, तेरो रूप कहत नहियो आवे, जय श्री तरि वंश कछुक जस गावे, सुन मेरा वचन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। हाँ, बहुत सुंदर। ऐसा महाराज जी, मेरे शरीर के पुत्र आदित्य का आज जन्मदिन है, वो आपका आशीर्वाद लेना चाहता है और आपके लिए बरसाना से राधा रानी का प्रसाद लेकर आया है। राधे राधे गुरु जी। अच्छा, इसको तो तुम लगा लो। अच्छा, कैसे दें आशीर्वाद बताओ, आप बता दो कैसे आपको आशीर्वाद दें, बताओ। किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ, बैठी रहू कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाओ। किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ, जो रज शिव सन का दिख जाचत, सूरज शीश चढ़ाओ। किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ, व्यास स्वामिनी की छवि निरतप,
बिमल बिमल जस गाओ किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ। अंजलि जादौन जी हाथरस से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, बाबा मुझे 2.5 वर्ष की उम्र से डायबिटीज है, मुझे प्रिया प्रीतम कैसे और कब और मिलेंगे? किसको? आप डायबिटीज का मतलब शुगर? शुगर जी महाराज। हाँ, कलयुग का देखो कैसा प्रभाव, छोटे छोटे बच्चे ऐसे रोग से ग्रसित हो रहे हैं जो होना ही नहीं चाहिए। तो क्या बच्चा तुम्हें प्रिया प्रीतम कैसे मिलेंगे? हाँ, और कब मिलेंगे? सही बात। अच्छा उसको माला पहला महाराज जी, उनने अपनी माला भी प्रसादी करने के लिए आपको दी है और जपने के लिए नाम की भी। कौन सी? आ जाओ आ जाओ। अरे इतने छोटे बच्चे के हृदय में बात आए कि प्रिया प्रीतम कैसे मिले। और कोई बात नहीं है, जैसे प्रारब्ध पूर्व प्रारब्ध से रोग आते हैं तो ठाकुर जी कृपा। तुम रो काहे के ले रहे हो बच्चा? रोग के कारण रोए का है? अरे काहे तुम्हारे रोए, ये रोना काहे आया है? आ गए? अच्छा अच्छा, तुम्हें प्रिया प्रीतम चाहिए क्या? सही बात। अच्छा हाँ प्रिया, आपकी जपमाला कौन सी? इसमें से जपमाला है आपकी? अच्छा। तुम अभी कुछ दिन राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ ऐसा जब, ठीक है? अच्छा। हरिवंश तुम्हारी शरण। अरे महाराज क्या क्या आज्ञा है, आप नजदीक आ जाओ। महाराज जी मुझे राधा सुधा निधि जी का एक श्लोक सुनाना है, अगर आपकी आज्ञा। नहीं है आज्ञा, सुनो देव ऐसे नजदीक आके। क्वासौ राधा निगम पदवी दूरे गाकुत्र चासौ कृष्णस्तस्यः कुच कमलयोर अंतरे एकांतवासः क्वाहं तुच्छः परम अधमः प्राणयोर कार्य कर्म यत्तन्नामा सुरति महिमा एष वृंदावनस्य। आप जो है और ऐसे याद करके सुनाना, ठीक है? प्रणाम महाराज जी। महाराज जी हमने भगवान को देखा नहीं, फिर भी हम उनकी छवि कैसे बना लेते हैं? मनुष्य ने कैसे बना ली उनकी छवि? भावना से बना लेते हैं। वास्तविक छवि तो कोई बच्चा बना ही नहीं सकता, क्योंकि हम भावना कर लेते हैं कि हमारे जैसे वाणी में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है ठाकुर जी के श्री अंग की कांति श्याम रंग की, तो वो कैसे श्याम रंग के हैं? हम नीले रंग से श्याम रंग की भावना कर ले। ठाकुर जी के नेत्र अरविंदाक्ष कमल दल लोचन, तो हम वैसे नेत्र बनाते हैं कि कमल दल लोचन ऐसे नेत्र हो। ठाकुर जी बंसी बाह धारण किए हुए ललित त्रिभंगी, तो हम वैसी भाव बकाया। सही बात यही है कि जिसने उनको देखा है वही वास्तविक स्वरूप का परिचय जानता है। ये जितने भी बने हुए उन्हीं के हैं, क्योंकि सर्वव्यापी हैं तो हर चित्र उन्हीं का है। पर वास्तविक बात यह है कि सच्चा परिचय जिसने उनको देखा, किसने देखा? नाम जापक ने देखा। जो बहुत नाम जप करते हैं तो नामी प्रभु नाम के प्रभाव से उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। तो ये जितने चित्र हैं ये सब उस अनंत की भावना के चित्र हैं, लेकिन उस अनंत को देखा दिखाने की सामर्थ्य तो केवल नाम में है, या नाम जापक उन संतों में है जिन्होंने अपने जीवन को नाम में कर दिया। जब रोम रोम और रग रग बोले, जिनका रोम रोम रग रग नाम में पगा हुआ, ऐसे महापुरुषों के हृदय में ठाकुर जी विहार करते हैं, वही वास्तविक जान। और जिन नेत्रों ने देखा वो बोलना नहीं जानते, जिन वाणी ने बोला वो देखना नहीं जानते, इसलिए पूर्ण वो भी नहीं संबोधन कर सकते। कह रहे कि तेरो रूप कहत नहीं आवे, श्री हरिवंश
कछुक जस गाए, जैसे ही हरिवंश कछुक जस गाए। समझ रहे बच्चा, हमें ये बात बहुत अच्छी लगी कि तुम यार इतने छोटे होके इतना बढ़िया प्रश्न किए। ये हमारे ठाकुर जी का माला प्रसाद पहनाने से आइए तुम्हारा इसलिए स्वागत करते हैं तुम इतनी छोटी अवस्था में ऐसा प्रश्न किए। जी महाराज जी, आपने आपके श्रीमुख से राधा नाम की जपने के लिए भी याचना की है। हाँ। गौरी सखी जी वृंदावन से, गुरु जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मैं आपके श्री चरणों में पद सुनाना चाहती हूँ। आज तो आज वती तेरो वदा नया आनंद भरो पिया के संग मा के सुचत सुख चैन आलस बाल तबोल सुर गरंगे कपोल वित के तरण उनी दे दो नैन रुचि तिलक ले शकिरा कुसुम केश सिरसी मंत भूषित मानो तैन करुणा कर उदार रखत कछुन सार दसन वसन लागत जब तैन कहे को दुरत भीरु पलटे प्रीतम चीरु बस की शाम सिखे सत मैन गले तसी माल शिथिला किंकिनी जा शीत हरिवंश बहुत सुंदर बहुत सुंदर। युग जी सुख से, इनकी उम्र 6 साल है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरे को गुस्सा बहुत आता है और माला नहीं हो पाती, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। धीरे धीरे माला में चित्त लगने लगेगा तो गुस्सा शांत होती जाएगी। लेकिन भाई किस पर गुस्सा अधिक आता है बताइए आप, ज्यादा गुस्सा किस पर आता है? मम्मी पे आता है। तो तुम एक काम किया करो, रोज सुबह उठ के मम्मी के चरण स्पर्श किया करो। करोगे? रोज जब उठे तो गए और मम्मी के से चरण स्पर्श किए और अंदर से जो हम कहें वही कहना कि हे मम्मी हम पे कृपा करो कि आप पे कभी गुस्सा ना आवे। ठीक है, क्या बोलोगे आप माइक से बताओ? हे मम्मी आप हम पे कृपा करो कभी आप पे गुस्सा ना आवे, ऐसा बोल पाओगे? अंदर ही अंदर से बोल दिया अगर ना बाहर से बोल पाए, पर रोज पैर सुना अपनी मम्मी के, पक्का छूओगे? फिर आप अगली बार आना तब बताना, आपका माला भी अच्छा चलेगा और आपका गुस्सा ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेरो वचन छबीली राधा दे पायो रस सिंधु गदा तू ऋषभानु गोप की बेटी मोहन लाल रसिक हसी बेटी जाई विरंची उमापति जाए तापे ते वन फूल बिनाए जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो ताको ते अधर सुधा चाख्यो तेरो रूप कहत सुनी मेरो वचन छबीली राधा दे पायो रस सिंधु गदा जय
जय हो प्रियाजू की सखियों की। जय श्री हरिवंश। प्यारे बोले भामिनी आजुनी की जामिनी फेटन मीन मेको सोदामिनी मोहन रसिक राय दिमाई सासु जुमान करे ऐसी कौन कामिनी जैसे हरिवान श्राम सच प्यारी राजी कराउन श्रामी गज गामिनी।